हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि ये फर्स्ट ईयर हिंदी जिसमें हम लोगों ने कल देखा था गोरखनाथ जी का जो पद है उसकी व्याख्या और उनके जीवन परिचय के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, अमीर खुसरो। आज हम अमीर खुसरो जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था तथा इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली कस्बे में हुआ था। तो आपने देखा कि इनका जन्म, इनको खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है और इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था और इनका जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली कस्बे में हुआ था। और इन्होंने अपनी आंखों से गुलाम वंश का पतन, खिलजी वंश का पतन तथा तुगलक वंश का आरंभ देखा था। और इनके सामने दिल्ली की गद्दी पर 11 सुल्तान बैठे थे, इसमें से 7 ही आपने सेवा की। मतलब 11 सुल्तान बैठे थे जिसमें से 7 जो सुल्तान थे उनकी जो सेवा थी वो अमीर खुसरो ने खुद किया था। तो खुसरो की माँ बलवन के युद्ध मंत्री इवादुतुल मुल की पुत्री थी और किशोरावस्था में ही खुसरो ने काव्य रचना प्रारंभ कर दी और 20 वर्ष की अवस्था में आने तक वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। पिता की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा इनके नाना की देखरेख में हुई। खुसरो अपने तीनों भाइयों में सर्वाधिक बुद्धिमान थे। खुसरो की हस्तलिपि बहुत सुंदर थी। बचपन से ही उनका मन शेरो शायरी, काव्य रचना, संगीत में अधिक लगता था और वे बड़े विनोद प्रिय, जिंदा दिल इंसान थे। साथ ही रसिक एवं महत्वाकांक्षी भी थे। खुसरो की प्रसिद्धि एक संगीतक के रूप में भी रही। खुसरो के पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन था जो पढ़े लिखे नहीं थे। उनके नाना और पिता दोनों ही चिश्तिया संप्रदाय, सूफी संप्रदाय में से एक के महान सूफी साधक हजरत नियामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। अतः खुसरो भी उनके मुरीद बने। खुसरो की मृत्यु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1324 ईस्वी में हुई। तो हम लोगों ने देखा कि खुसरो जी का जो जीवन है वो बहुत ही आपने देखा कि 1253 में उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाला में हुआ था और उन्होंने अपनी आंखों से गुलाम वंश का पतन, खिलजी वंश का पतन तथा तुगलक वंश का आरंभ देखा था। और इनकी जो माता थी वो इवादुतुल मुल की पुत्री थी और खुसरो जी की किशोरावस्था में ही बड़े काव्य रचना करते थे और जो 20 वर्ष की आयु आते आते वो एक कवि के रूप में घर के आए। और खुसरो जी का मृत्यु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 1324 में हुआ था। तो हम देखेंगे कि खुसरो का कृतित्व, मतलब उनकी रचनाएं क्या थी। तो आइए देखते हैं कि अमीर खुसरो अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी के महान विद्वान थे और संस्कृत की भी उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी थी। कहा जाता है कि इन्होंने 99 ग्रंथों की रचना की पर अब उनमें 20 से 22 ग्रंथ ही उपलब्ध होते हैं। 99 ग्रंथों की रचना इन्होंने किया था पर उसमें से 20 या 22 ही ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। इन्हें ग्रंथों में किस्सा चाह, दरवेश और खालिक बारी विशेष लोकप्रिय हैं। खुसरो ने 5 पसंदिया भी लिखी हैं जिनके नाम हैं मतला उल अनवार, सीर व खुसरो,
मजनू और लैला, आईने सिकंदरी, हस्त पहिस्त, खुसरो की गजलें भाव और कला की दृष्टि से इतनी उत्तम है कि बड़े बड़े संगीतज्ञ उन्हें गाकर आनंद विभोर होकर झूमने लगते हैं। यथा लाज शरम सब छीनी ओ मोसे नैना मिलाई की। अमीर खुसरे ने कुछ ऐसी गजलें भी लिखी जिनमें हिंदी और फारसी का मिला जुला रूप दिखाई देता है। यथा जेहाल मिसकी महुग तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, किताबे हिजाम नदारम एजा न लेहू काहे लगाए छतिया। तो आज हम लोगों ने देखा कि अमीर खुसरो जी का जीवन परिचय। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।